नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच अनिल अग्रहरि शिवा उपस्थित है। अनिल अग्रहरि शिवा के पिताजी चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नाम उमाचरण गुप्ता था। अनिल अग्रहरि शिवा की माताजी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनका नाम पुष्पा गुप्ता था। अनिल अग्रहरि शिवा के ताऊ श्यामाचरण गुप्ता जी इलाहाबाद के मेयर, इसके साथ इलाहाबाद के भी सांसद रहे और बांदा जिले से भी सांसद रहे। अनिल अग्रहरि शिवा जो वर्तमान में गोविंद राजपूत आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परिवहन मंत्री हैं, जब वे प्रदेश के युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष होते थे तब अनिल अग्रहरि शिवा सतना जिले के जिलाध्यक्ष होते थे और प्रदेश में युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष होते थे। अनिल अग्रहरि शिवा बहुजन समाज पार्टी की टिकट से 17 विधानसभा का चुनाव लड़कर 29,000 के तकरीबन वोट भी हासिल कर चुके हैं। आज हम अनिल अग्रहरि शिवा से बातचीत करेंगे, तो स्वागत है अनिल जी हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद अनिल जी। आप का जो परिवार जितना राजनैतिक रूप से समृद्ध रहा है उस हिसाब से आज वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं और आपके पास कोई पद कांग्रेस ने आपको नहीं दिया, आखिरकार आपकी उपेक्षा के पीछे की वजह क्या है? माने कांग्रेस आप जैसे व्यक्ति की, आप जैसे समृद्ध राजनैतिक घराने वाले व्यक्तियों की उपेक्षा क्यों कर रही है? नहीं नहीं, कहीं उपेक्षा वाली बात नहीं है, ये उनकी व्यवस्था है कि किसको कब कहाँ दायित्व जिम्मेदारी दें, इसमें मैं तो उपेक्षित नहीं महसूस करता अपने आप को। नहीं, लेकिन जो आपका समाज है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है मतलब एक ऊर्जावान व्यक्ति को, एक सक्षम व्यक्ति को मतलब महत्व नहीं दे रही है? महत्व नहीं दी होती तो मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष जैसे दायित्व कैसे देते, जिलाध्यक्ष भी बनाए थे। वर्तमान तो में आपके पास में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको अलग अलग समय पर दायित्व दिया जाता है, जब उनको लगेगा दोबारा तो फिर देंगे, कोई इसके लिए कोई मुझे कोई किसी तरह ग्लानि नहीं है मन। कांग्रेस में लोग कहते हैं गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटी राजनीति का बोलबाला है, कोई कहता है दिग्विजय सिंह का गुट है, कोई कहता है कमलनाथ जी का गुट है, कोई कहता है अजय सिंह राहुल का गुट है, तमाम तरीके के गुट है, आप किस गुट से को बिलोंग करते हैं कांग्रेस के? मैं कोई गुट वगैरह में विश्वास नहीं करता ना। अब ये बाहर के लोगों का उड़ाए हुए भ्रम होते हैं जिसमें लोग कहते हैं राहुल भी एक अलग गुट है, किसी का अलग गुट है, ऐसा तो मुझे कोई एहसास तो नहीं हुआ कभी। मैंने आप किसी गुट में नहीं, आप सीधे सीधे कांग्रेस में हैं? नहीं, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बीते 4 वर्ष की अगर राजनीति को देखा जाए तो बीते 4 वर्ष से आपकी राजनीतिक सक्रियता जो थी वो सतना शहर में शून्य थी, जबकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने सतना के तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया है जो ज्वलंत मुद्दे थे, उनको उठा करके आपने उन समस्याओं को उठाकर लोगों की निगाह में आए हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कराया है। लेकिन बीते 4 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई इस बार, तो आपकी राजनीतिक सक्रियता जिस हिसाब से होती थी इस बार नहीं दिखी, उसके पीछे की क्या वजह थी? नहीं, कोरोना काल में 2-3 साल खराब हो गया, लेकिन कोरोना में भी मैं पूरी तरीके से सक्रिय रहा। कोरोना में काफ़ी लोगों को खाना बांटना, लोगों की जो जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब कर रहा था। कोरोना राजनीति का विषय था नहीं, तो उसमें नहीं किया कुछ। नहीं, वैसे भी आज की तारीख में अगर देखें तो किसान परेशान है, बिजली उसको नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, मरीज परेशान है कि जिला चिकित्सालय में आज की स्थिति में ये है कि माने जिसको ऑपरेशन करने का अधिकार नहीं है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, माने जिला चिकित्सालय के तमाम मुद्दे आप पहले भी उठाते रहे हैं। कचहरी में लोग परेशान हैं कि उनके खसरे खतौनी, माने इस तरीके की, माने जिले में अगर आप समस्याओं की उपस्थिति देखें या समस्याओं का अंबार देखें तो जहाँ से भी आप एक ईंट हटा देंगे वहाँ समस्या दिख जाएगी, वहाँ से भ्रष्टाचार दिख जाएगा। लेकिन जिस तरीके की राजनैतिक सक्रियता की उम्मीद जनता आपसे करती है उस तरीके से आप राजनैतिक रूप में सक्रिय नहीं दिखे। पहली बात तो तिवारी जी, मुझे अच्छा लगा कि भारत के साथ चुनिंदा उन पत्रकारों में एक हैं जो आपको कम से कम कमी दिखाई दे रही है। नहीं तो अभी तक तो जितने पत्रकारों से बात होती है या जो चैनल वगैरह में देखता हूँ जी, तो सबको लगता है कि ये स्वर्णिम भारत है। आप बहुत सारी चीज़ें और भूल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूँ, मुझे ये लगा कि कुछ प्रश्न हमारा बड़ा हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 साल हटा दिया जाए तो प्रदेश के अंदर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं लोगों से सिर्फ पूछता हूँ कि भैया पहले में और अब में बदला क्या है? बदला यह है कि कभी एक गाना हुआ करता था कि महंगाई डायन खाए जाती है,
पहले महंगाई डायन होती थी, अब पूतना होकर के किसी की मौसी मामी नानी काकी बन गई है। चीज़ें पहले से बहुत बदतर हुई हैं। छल करके, झूठ बोल करके इन लोग सत्ता पे आए हैं और सत्ता पे आ करके झूठ इतना तेज बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। बड़ा अच्छा लगा था, अभी कुछ दिन पहले एक सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आटा और रोटी की बातें छोड़ कर उन्होंने डाटा सस्ता होने की बात किया था। उन्होंने ये मांगा कि महंगाई है, लेकिन महंगाई उन्होंने सिर्फ जो है मोबाइल के डाटा के लिए माना था। पूरी तरीके से भ्रम वाली राजनीति चल रही है। कोई भी आपको नेता ना तो रोजगार की बात करता मिलेगा, ना शिक्षा की बात करता मिलेगा, ना स्वास्थ्य की, ना कानून व्यवस्था की, ना किसी तरीके की महंगाई की बात करता मिलेगा। वो सिर्फ बात करता मिलेगा हिंदू मुस्लिम का। केवल देश में एक ही चीज़ चल रही है पूरी तरीके से, हिंदू मुस्लिम। चुनाव आ रहे हैं, फिर देखिएगा चाइना में, पाकिस्तान में इस तरह के युद्ध वगैरह का प्रोपेगेंडा चालू हो जाएगा जो चलता आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये सब चीज़ें चलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके सब लोग परेशान हैं। चूंकि आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से और इस समय आप कांग्रेस में हैं, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, तो क्या आप 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा 2013 का चुनाव अंतिम चुनाव था। नहीं, ये तो आपने नहीं कहा था, लेकिन 2023 को लेकर के क्या आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ये शहर के लोग तय कर देंगे। नहीं, अगर शहर के लोग कह देंगे कि आप लड़ो तो चुनाव आप लड़ेंगे, भले कांग्रेस आपको टिकट दे या न दे। ये फिर आप फंसाने वाला काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव आप लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देगी टिकट? मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थित सिपाही हूँ, तो देना चाहिए मुझे। और नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय रहेगा उस चीज़ का उस समय देखेंगे। अच्छा, आप महापौर का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आप काफ़ी कुछ सक्रिय नज़र आए थे, महापौर का चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करते नज़र आए थे। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव क्यों हार गई है? कांग्रेस पार्टी जो चुनाव हारी वो शहीद अहमद जी का नाराजगी बस बहुजन से चुनाव लड़ जाना और इस चीज़ का प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि अब एक विशेष वर्ग का वोट कांग्रेस को नहीं आ रहा है। और बीजेपी अपने 15 साल के विकास कार्यों पे चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो कांग्रेस की के वोट डिवाइड हो गया ये कह करके चुनाव में वोट मांगने निकली और लोग भ्रम में आकर के जनता ने ये निर्णय आया। आपको क्या लगता है कि जो अगला 2023 का जो चुनाव होगा उसमें सतना विधानसभा कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। आपको क्या लगता है, सतना जिले में 7 सीटें हैं, आपके अनुमान से सतना में कितनी सीट कांग्रेस जीत सकती है? आप खुद ही अपने आप में बैठ करके सोचेंगे, अंदाजा लगाएंगे तो एकाध न कहिए कि धोखे से एकाध भाजपा जीत जाए, नहीं तो पूरी कांग्रेस की लहर है चारों तरफ। माने बाकी कांग्रेस माने भारतीय जनता नहीं, तो ये कांग्रेस की जो आप लहर कह रहे हैं, कांग्रेस की लहर है या भारतीय जनता पार्टी से लोग असंतुष्ट हैं? दोनों में बड़ा अंतर होता है। दोनों क्या होता है, एक तो ये होता है कि मैं आपसे असंतुष्ट हूँ इसलिए किसी सामने वाले को वोट कर रहा हूँ, और दूसरी बात क्या होती, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं इसलिए आपको वोट करता हूं। देखिए, तो जनता को कांग्रेस पसंद कर रही है या भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है? दोनों चीज़ें हैं। जब कांग्रेस और भाजपा के बीच में जनता यदि कंपेरिजन करती है, तुलना करती है, तो उसको ये लगता है कि कांग्रेस जो कहती थी वो करती थी। भाजपा वाले वोट के समय बहुत सारी बातें करते हैं, वोट के समय दुनिया भर के वादे करके उनको वही सिलेंडर 400 रुपये वाला महंगा दिखाई देता है, वही डीजल पेट्रोल 56 रुपये वाला पेट्रोल उनको महंगा दिखाई देता है, और जब चुनाव पे जीत करके सत्ता पे आके बैठ जाते हैं तो वो उनके राग बदल जाते हैं। तो जनता को बहुत सारी चीज़ें जो कांग्रेस और भाजपा में यदि अंतर करके देखती है तो कांग्रेस उनको अपनी हितैषी दिखाई देती है और भाजपा उनको झूठ ही समझ में आती है। कांग्रेस पूरे विंध्य क्षेत्र में व्यवसायी समाज की उपेक्षा क्यों करती? कभी भी मैंने उसने व्यवसायी समाज से या वैश्य समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इसके बारे में प्रदेश नेतृत्व से बातचीत की? कांग्रेस ने किया था, मेरे पिताजी के बारे में भी आप बता रहे थे, मेरे पिता को विकास प्राधिकरण का चेयरमैन कांग्रेस ने ही बनाया था। कांग्रेस ने ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने देती है, अब जब कोई मांगेगा तो बिल्कुल देती है, सर्वे में आएंगे तो कांग्रेस बिल्कुल उस चीज़ को करेगी। कुछ वर्षों तक आपने वैश्य समाज की माने समाज को एकत्रित करने, समाज को
ऊपर ले जाने या समाज की एकता के लिए आपने बहुत सारा काम किया था। कालांतर में फिर आपने पूरे मैंने वैश्य समाज से अपना नाता तोड़ सका। कोई नाता नहीं टूटा है, मैं अभी भी लगातार उसमें सक्रिय हूँ। वह समाज के लोगों के ऊपर जब भी कोई बात पड़ती है या उनके खुशी गम में मैं हर जगह सम्मिलित होता हूँ। अब ये बात अलग है कि क्योंकि मैं जब वैश्य समाज से जुड़ा था तब मैं वैश्य महासम्मेलन युवा का अध्यक्ष होता था जी। फिर मेरे को अग्रहरी समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया, फिर एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में मुझको अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसमें 600 से ऊपर जिला अध्यक्ष थे पूरे देश में जी। अब एक ही व्यक्ति यदि सब कुछ करता रह जाएगा तो बाकी समाज के और लोगों को आगे बढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो अभी भी वैश्य समाज उसी तरह चल रहा है, यह है कि दायित्व और स्थितियाँ बस बदली हुई है, मैं उसी तरह जुड़ा हुआ हूँ, उसी तरीके से मेरी भावना है समाज के प्रति। सतना जिले के अंदर कांग्रेस की अधिक से अधिक सीट आए, अगर आपको कोई सुझाव दे रहा हो तो क्या सुझाव देंगे पार्टी नेतृत्व को? कुछ नहीं, मेरे को तो लग रहा है वैसे भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कमलनाथ जी के नेतृत्व में, अरविंद में, राहुल भैया के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो वर्ष है 2023 यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित अब प्रदेश को जरूर अच्छे दिन दिखाई देंगे। ये मोदी वाला झूठा अच्छे दिन का नारा नहीं होगा, ये वास्तविकता में आएगी अच्छे दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमसे हमारे विशाल खबर से चर्चा की और हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से कुछ न कुछ 2023 के चुनाव के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।